क्लास 10 स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लेकर आ गया हूँ। तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, कौन सी ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, और जिनका पॉसिबल है उनका सॉल्यूशन करने के मेथड यानी ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मेथड्स, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा आज कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक, कौन सी एक्सरसाइज और कौन सा कंसेप्ट आपका अब की बार सरकार ने इस चैप्टर में से रिड्यूस कर रखा है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो हमेशा की तरह स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। और वीडियो को कंप्लीट देख लेना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का किस्सा ही हो जाएगा आपके लिए खत्म। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कि हम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें इस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो हमारी जो 9th क्लास थी उसमें हमने एक डिग्री का टॉपिक सीखा था। क्या था वो टॉपिक, उस डिग्री को बोलते थे हम हाईएस्ट पावर। हमने एक टॉपिक सीखा था डिग्री, उस डिग्री को क्या कहा था हमने, उसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब इस हाईएस्ट पावर, इस डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, क्या यूज होने वाली है ये डिग्री हमारे इस चैप्टर में। तो इस डिग्री के मेथड से, इस डिग्री के कंसेप्ट से ही हम ये सीखेंगे कि कौन सी इक्वेशन लीनियर होती हैं, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती हैं, और कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो क्यूबिक इक्वेशन होती हैं। हमें पढ़ना तो यार लीनियर इक्वेशन ही होगा, लेकिन इस डिग्री से ही हमें ये पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे हमारे पास, मैं आपके लिए 3 इक्वेशन लिखता हूँ, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन मौजूद है हमारे पास, और आपसे ये कहे कि इनमें से ये बताओ, पहचान करो कि कौन सी इक्वेशन किस टाइप की है। तो हमें सबसे पहले इन सब की डिग्री निकालनी होगी। हमें डिग्री का मतलब पता होता है हाईएस्ट पावर, तो इसकी हमारे पास डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3, तो इसकी डिग्री 3 होगी, और इसकी हाईएस्ट पावर हमें पता है 1 है। तो आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, कि जिसकी डिग्री जिसकी हमारे पास, जिस भी इक्वेशन की डिग्री हमारे पास अगर 1 हो, तो उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, उसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन। तो पहला सॉल्यूशन मिल गया है कि हमारे जो लेसन का नाम था उसका आधा काम तो हो गया, कि लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती हैं जिनकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर जिनकी 1 हो। तो ये जिनकी हाईएस्ट पावर 2 या 3 हो तो उनको क्या कहते हैं हम, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में हम अगला चैप्टर यानी 4th जो चैप्टर होता है उसका नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें सीखेंगे। और जिसकी डिग्री हमारे पास 3 हो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। और जिसकी डिग्री 1 वही हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, जो हमें अब की बार सीखनी होगी इस चैप्टर में। तो इस लीनियर इक्वेशन का तो मतलब हमने सीख लिया। चलो इसके बाद आते हैं टू वेरिएबल्स की तरफ, इस टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। टू वेरिएबल, देखो वेरिएबल्स हमने जो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था पॉलिनोमियल उसमें भी हमने वेरिएबल का जिक्र किया था। तो वेरिएबल की तरह हमारे पास दो रूप होते हैं, देखो एक होती है हमारे पास टर्म, टर्म को हमने दो भागों में बांटा था, एक भाग होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट पार्ट और एक होता है हमारे पास वेरिएबल पार्ट, एक होता है कॉन्स्टेंट और एक होता है हमारे पास वेरिएबल। तो इस टू वेरिएबल, टू का तो हमें पता है दो वेरिएबल, सबसे पहले हम सीखते हैं इस वेरिएबल का मतलब। तो वेरिएबल क्या होता है, दो टर्म होती हैं, एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल। अगर इनका डिफरेंस आप सीख गए तो आपको पता चल जाएगा इस वेरिएस के कंसेप्ट को, रटना नहीं है बिल्कुल, हर एक चीज़ बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बिल्कुल ही इजी वे से समझाने वाला हूँ। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड ही ना करता हो। जैसे हमारे पास हमने 5 लिख दिया, अब 5 ऐसी क्वांटिटी है जो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, माइनस हो, कुछ भी हो, ये जो 5 है ये हमेशा ही क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो अब बात करते हैं इस वेरिएबल की, तो अगर ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो ये वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, डिपेंडेंट। अब इस डिपेंडेंट कैसे होती है वेरिएबल, जैसे मैं ये लिख दूं वाई इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, अब अगर मैं y को चेंज करूंगा तो अपने आप x चेंज नहीं हो जाएगा, अगर y को 1 कर दूं तो x 1 हो जाएगा, अगर y को 2 कर दूं तो x भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं चेंज एक क्वांटिटी को कर रहा हूं और चेंज दूसरी हो रही है उसके साथ, तो क्या है कि ये x y के ऊपर डिपेंड है और ये y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर, लेकिन ये 5 है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, चाहे किसी को चेंज करते रहो ये 5 का 5 ही रहेगा,
जब तक इसके साथ कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी ना लगे। जैसे इस 5 के साथ अगर मैं x लगा दूं, अब ये x क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है। अब इस x को चेंज करता रहूंगा, इस 5x की वैल्यू ही चेंज होती रहेगी। तो ये मतलब होता है हमारा डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट का। तो जो इनडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको ही हम नाम देते हैं क्या? वेरिएबल। तो एक चीज निकल कर आई कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जो हम ये नहीं पढ़ते हैं x, y, z, ये हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हो। तो वेरिएबल का मतलब सीख लिया। अब टू का तो मतलब हमें पता ही है क्या, कि जिसमें दो वेरिएबल हो। अब आते हैं पूरे के पूरे चैप्टर के नेम की तरफ, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि वो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। अब मैं अगर ये लिख दूं x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो हमने मान लिया कि इसकी डिग्री तो हमारे पास 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो लीनियर इक्वेशन तो हुई, लेकिन इसमें वेरिएबल्स देखते हैं कितने। इसमें वेरिएबल तो सिर्फ x ही है ना, तो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हमें कौन सी सीखनी है इस चैप्टर में? हमें वो इक्वेशन सीखनी है जिसमें दो वेरिएबल मौजूद हो। जैसे हम लिख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो देखो है तो इसकी डिग्री 1, तो लीनियर इक्वेशन हुई, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल और दो वेरिएबल। तो हमारे पास ये हमारी क्या है, इस चैप्टर के नाम से संबंधित इक्वेशन है, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आई कि जो हमारा चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका असली मतलब था क्या? तो ये जितनी भी हमारी 5-6 मिनट लगी हैं, ये आपको सिर्फ ये बेसिक बताने के लिए था कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आपको लेसन का नेम ही समझ में नहीं आया, अगर आपको लेसन का नाम ही समझ में नहीं आया, तो जो लेसन में होने वाली चीज़ें हैं वो तो आपको क्लियर होंगी ही नहीं। तो ये था हमारा लेसन का नाम, जिसको बिल्कुल ही इजी वे से हमने सोल्व कर दिया, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और वो कौन सी इक्वेशन होती हैं जिसमें दो वेरिएबल मौजूद हो। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पहले टॉपिक की तरफ। तो क्या है हमारा पहला टॉपिक? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर है जो हमारा 10th क्लास का, उसका पहला क्वेश्चन क्या है? उसका जो पहला क्वेश्चन है वो तो यही था कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और दो वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसका सॉल्यूशन दे दिया। अब चलते हैं इसके पहले कंसेप्ट की तरफ, पहले बेसिक पार्ट की तरफ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी वो इक्वेशन होती हैं जिनका सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल होता है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। पहली क्या होती है? जिसका सॉल्यूशन ही ना निकले, यानी नो सॉल्यूशन। मतलब कोई ऐसी इक्वेशंस हो जिनका सॉल्यूशन ही ना निकले, और कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और कोई ऐसी इक्वेशंस हो जिनका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब हमने 3 टाइप के नाम लिखे क्या, कि लगा लो कि कोई इक्वेशंस ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशंस। और चलो उनका सॉल्यूशन तो निकले, लेकिन क्या पता कितने सॉल्यूशन निकले, हमें यही नहीं पता चले कि सॉल्यूशन निकलेंगे कितने, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जिनका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकले वो होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन मैं जिक्र तो कर रहा हूँ, लेकिन इस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अब एक बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, कि जब हमारे पास किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल मौजूद हों तो उन दो वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल गिवन हो तो उस एक इक्वेशन से हमारा काम चल जाता है। जैसे हम ये लिख दें कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसको सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 साइड गया -2, इसका सोल्यूशन निकला है, मतलब x की वैल्यू निकलाई। तो हमने एक ही इक्वेशन से काम कर दिया, लेकिन जब हमारे पास दो वेरिएबल गिवन हो, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इस तरह की जब हमारे पास दो वेरिएबल मौजूद हों x और y, तो उनको सोल्व करने के लिए भी कितने इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है? दो इक्वेशंस की। बात समझ में आई? अब इन दो इक्वेशंस में जैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो लगा लो हमारे पास x की कोई वैल्यू आ जाए और y की भी कोई वैल्यू आ जाए। अब यही हमें देखना है कि जो ये x और y की वैल्यूज़ हैं क्या ये निकलेंगी। अगर ये निकलती हैं तो हमारे पास ये दो केस बन जाते हैं कि ये कितनी निकलेंगी। अगर यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक एक निकलेंगी, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कितनी भी निकल सकती हैं, या इन एक्स और वाई की वैल्यू ही पॉसिबल ना हो, वो इक्वेशन सोल्व ही ना हो। तो चलते हैं तीन तरह की उन चीज़ों की तरफ, तीन तरह की इक्वेशंस की तरफ जिनके ये सॉल्यूशन निकलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर बार एग्जाम में, और टर्म 1 के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन MCQs बनेगा ही बनेगा। तो चलते हैं कि किस तरह हम इन चीज़ों को बांट सकते हैं। तो चल सबसे पहले चलते हैं नो सॉल्यूशन की तरफ। जब हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, a1x
प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी जर्नल इक्वेशन होती है किसी भी इक्वेशन की, कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसके ये ए वन और बी वन क्यों यूज किए मैंने, और इसको ले लेते हैं सी वन, क्योंकि जब हम दूसरी इक्वेशन देंगे तो उसमें ए टू बी टू सी टू आ जाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन भी मान लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव और थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, तो ये जो वेरिएबल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू कहलाए जाते हैं। तो आपको तीन फॉर्मूले ऐसे बताने वाला हूँ जिनको देखकर आपको इन सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि किसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो चलते हैं पहले फॉर्मूले की तरफ। जब हमारे पास हम ए वन अपॉन ए टू करें, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू करें और सी वन अपॉन सी टू भी करें, मतलब इस ए वन बटे इसके टू के अपॉन थ्री कर दें, थ्री के अपॉन टू कर दें और फाइव के अपॉन सेवन, इनका रेशो निकाल दें, तो अगर हमारा पहला रेशो इक्वल हो जाता है, हमारा पहला रेशो इक्वल हो जाता है और ये आखिरी वाला रेशो इक्वल नहीं होता, मतलब ए वन अपॉन ए टू करें और बी वन अपॉन बी टू करें, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो हमारे पास क्या होते हैं, उसके नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन ही निकलता, उसका कोई सोल्यूशन ही निकलता, कहने का मतलब नो सोल्यूशन। और उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्यों? क्योंकि हमने हमारी छोटी क्लासेज में ये सीखा था कि जब हम किसी इक्वेशंस को ग्राफ के माध्यम से सोल्व करते हैं तो अगर वो इक्वेशन एक दूसरे को काट जाती हैं तो हमें उसका सोल्यूशन निकल जाता है, जो हमारे पास ये कटती हैं वही हमारा इसका आंसर होता है। लेकिन पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी के ऊपर कटती ही नहीं, तो अगर वो कटेंगी नहीं तो उनका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो हमने ये पहले ही लिख दिया कि ऐसी इक्वेशन जिनके पहले दो रेशो इक्वल हो, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू, तो वो कौन सी इक्वेशन होती हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशंस होते हैं उनके। और वो लाइंस कैसी मानी जाती हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हमारे पास गिवन हो टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, क्लियर है? दूसरी इक्वेशन गिवन हो फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये गिवन हो, तो इसमें हम a1 a2 और b1 b2 निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा इसमें, मतलब ये a1 और ये a2, तो दो बटे चार यानी वन बाई टू। अब एक बार b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 मतलब इसके अपॉन में ये थ्री अपॉन सिक्स, ये भी कितना आया वन अपॉन टू, तो हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ गए। लेकिन एक बार c1 अपॉन c2 निकालो, c1 अपॉन c2 क्या होगा फाइव बाई सिक्स, तो ये दोनों तो हमारे पास इक्वल हो गए, लेकिन ये आखिरी वाला C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है ना। तो ये इक्वेशन जो मौजूद है हमारे पास, इन्हीं दो इक्वेशनों को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, या इनके कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारी x और y दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। समझ में आ गई? तो ऐसी इक्वेशंस कौन सी होती हैं जिनके पहले दो पॉइंट यानी ये x और y वाले जो कोफिशियंट होते हैं, अगर इनका रेशो इक्वल निकले, इनका रेशो इक्वल निकले, तो वो ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता। ये था हमारा पहला इसका आंसर, यानी जब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू ये तो इक्वल हो, लेकिन तीसरा रेशो हमारे पास इक्वल ना हो, तो वो इक्वेशंस कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारे पास नो सॉल्यूशन वाली, और वो कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये तीसरे वाला इक्वल नहीं था ना, ये दो इक्वल थे लेकिन तीसरे वाला इक्वल नहीं था। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं, जैसे हमारे पास ए वन अपॉन ए टू करें और बी वन अपॉन बी टू करें और सी वन अपॉन सी टू करें, अगर ये तीनों के तीनों रेशो हमारे पास इक्वल हो जाएं, तो कौन सी होती हैं, तब होती है हमारी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, गिन ही नहीं सकते इतने सोल्यूशन। और ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, दूसरा रिलेशन निकल कर आ गया, अगर तीनों रेशो हमारे पास बराबर हो जाएं तो वो कौन सी लाइन होती हैं, उनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। मतलब कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर एक लाइन, कि दूसरी लाइन पहली लाइन को इस तरह ढक दे कि पहली लाइन दिखाई ही ना दे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, जैसे एक एग्जाम्पल है टू एक्स प्लस y इज इक्वल टू टू, क्लियर है? और दूसरी इक्वेशन मान ली हमने फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर,
क्लियर सी बात है। अब इन सारों में से हम दो कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी दो कॉमन लिया, देखो क्यों, एक बात बताओ, इनका एक बार रिलेशन निकालते हैं, मतलब ए वन अपॉन ए टू। तो जब हम ए वन अपॉन ए टू करेंगे तो टू बाई फोर यानी वन बाई टू निकला, ये भी वन है वन बाई टू, और टू बाई फोर ये भी क्या आया वन बाई टू। तो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू तीनों के रेशो ही हमारे पास इक्वल आ गए, क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, और इनके बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे अब बताता हूँ। जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी उसमें से हम एक बार दो कॉमन ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन को दो से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी दो से डिवाइड, इसको भी दो से और इसको भी दो से। तो क्या आया, टू टू जा फोर, टू वन जा टू टू जा, तो क्या इक्वेशन निकली, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकली। एक बार ध्यान से देखो, ये हमारी पहली इक्वेशन भी तो बिल्कुल सेम थी ना। तो दोनों इक्वेशन अगर एक ही इक्वेशन है, यानी किसी एक ये लाइन आ गई इस इक्वेशन की, तो हमें पता है दोनों सेम है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, यही होगी, यानी इसके ऊपर होगी। तो इसके ऊपर हो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और अभी अभी बताया था अगर किसी एक पॉइंट पर काटे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकलता है। अब तो ये तो पूरी सारी जगह पर कट रहे हैं, एक के ऊपर एक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अब चलते हैं उस लाइंस की तरफ, उन लाइंस की तरफ जो हमें पूरे चैप्टर में अब देखने को मिलेंगे, यानी जिनके यूनिक सॉल्यूशन निकलते हैं, जिनके सिर्फ एक एक सॉल्यूशन निकलते हैं, जो होती हैं हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को काटती हैं। तो चलते हैं तीसरे रिलेशन की तरफ, यानी इन्हीं के रिलेशंस की तरफ। अब वो रिलेशन क्या होता है कि जब हम ए वन अपॉन ए टू करें और बी वन अपॉन बी टू करें, और ये दोनों का जो रिलेशन है वो नॉट इक्वल टू निकले, मतलब ए वन अपॉन ए टू यानी एक्स और वाई के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका रेशो अगर नॉट इक्वल होगा, उनका रेशो अगर इक्वल नहीं होगा, तो वो कौन सी लाइन होगी, वो लाइन होगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक पॉइंट पर काटेंगी वो, और जो एक पॉइंट पर काटती हैं उनके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलता है, जिनका हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जैसे हमने कौन सी इक्वेशन ले ली, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू टू, और एक ले ली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू फोर। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं है, ये तो तीन बटे दो है और ये दो बटे तीन है, बराबर नहीं है। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स की वैल्यू भी एक आएगी जैसे टू, और वाई की वैल्यू भी एक आएगी जैसे वन। इन दोनों की तरह नहीं होगा कि जिसके एक के तो सॉल्यूशन निकले और बहुत सारे, पता ही नहीं कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, और एक ऐसा जिसका सॉल्यूशन ही ना निकले। तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ कौन सा कंसेप्ट सीखना होगा, हमें इस चैप्टर में हम ये वाली इक्वेशन सीखेंगे, मतलब इसका एक ढंग से हमारे पास सॉल्यूशन निकल रहे हैं, और इन सॉल्यूशन को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं हमारी चैप्टर में। तो अब चलते हैं उन मेथडों की तरफ। जैसे हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज होगी, अब चलते हैं हमारे लेसन की एक्सरसाइज के कंसेप्ट की तरफ। तो जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 होगी उसमें हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड्स। और जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज होगी उसमें हम सीखेंगे कि जो मैंने अभी बताया है कि सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं या नहीं, कि किस इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे और किसके नहीं, और उसके साथ साथ कुछ इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे किस का यूज करके, ग्राफिकल मेथड का यूज करके। थर्ड एक्सरसाइज होगी हमारे पास पूरी की पूरी बेस सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। फोर्थ एक्सरसाइज होगी हमारी पूरी की पूरी एलिमिनेशन मेथड के ऊपर, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। फिफ्थ जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर। और जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी इन सब के कम्बिनेशन के ऊपर, किन के ऊपर होगी, इनके कम्बिनेशन, यानी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ग्राफिकल, इन सारों का यूज करके हम इस इक्वेशन को, इनको सोल्व करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में, क्लियर है। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं, बड़े बड़े हैं, तो इनको हम एक एक करके सोल्व करेंगे, एक एक वीडियो आपके लिए अपलोड होगी। यानी ग्राफिकल मेथड की अलग, सॉल्यूशन पॉसिबल है ये तो हमारे पास हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड की अलग, एलिमिनेशन की अलग, और क्रॉस की अलग, और कम्बिनेशन की अलग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे। अब चलता हूँ उस टॉपिक की तरफ जो हमारा सरकार ने इस लेसन में से रिड्यूस्ड कर दिया गया, क्योंकि हमने वीडियो के पहले जिक्र किया था शुरुआत में कि वो आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जो हमारा सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है।
तो ये हमारा पूरा सिलेबस इस चैप्टर का, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, यानी छह एक्सरसाइज हैं, छह की छह एक्सरसाइजों का आपको कंसेप्ट बता दिया है, जिसको एक एक करके अब हम सोल्व करेंगे। तो इसमें से जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है, यानी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये अब की बार क्या कर दिया गया है, रिड्यूस्ड कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरी 3.5 को रिड्यूस्ड कर दिया गया, नहीं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आ सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को हमें इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से नहीं करना होगा। बाकी जो मेथड बच गए उन किसी से भी हम उन इक्वेशनों को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, समझ में आई। सिर्फ हमें ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं सीखना कि ये होता क्या है, किस तरह इसमें इक्वेशन सोल्व करते हैं। अब एक बात और क्लियर कर देता हूँ, चाहे मेथड कितने भी हों, लेकिन जो दो इक्वेशन हम सोल्व करेंगे उनके आंसर हर मेथड से क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो चाहे बेशक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड रिड्यूस्ड हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा, नहीं। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका मेथड बदल दिया जाएगा। आपको कह दिया जाएगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, या एलिमिनेशन से सोल्व करो, या ग्राफिकल से करो। सिर्फ आपको ये मनाही होगी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से नहीं आएगा, बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनमें से किसी एक मेथड के साथ, शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ।